सतना जिले में इस साल में लिस्टेड जो हमारे तीन गैंग थे, एक बबली कॉल का, एक साधना पटेल और एक गौरी यादव के, इसमें दो गैंगों का जो सफाया है वो हो चुका है। एक जो है बबली के जो गैंग थे उसमें कुछ महीने पूर्व में उनके एनकाउंटर हुए थे यहाँ पे और उसके गैंग मेंबर्स पूरे यूपी पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। उसके बाद जो दूसरा गैंग था साधना पटेल, उसका भी अभी कल सतना पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और पिछले एक महीने में इनका दो मुख्य सदस्य जो थे, एक रिंकू शिवहरे और एक दीपक शिवहरे, जो इनके शार्प शूटर्स थे, उनको भी पुलिस ने, सतना पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। इन सबके ऊपर 10,000 रुपये के इनाम सतना पुलिस की तरफ से घोषित था, यूपी पुलिस की तरफ से भी इनके ऊपर इनाम घोषित है। साधना पटेल जो है पब्ली गैंग से भी कम्युनिकेशन ताल्लुकात रखते थे, आपस में बात करते थे, पब्ली के गैंग में शामिल होना चाहती थी पर वो एनकाउंटर के जो घटना हुई उसकी वजह से वो गैंग में शामिल नहीं हो पाई, जिसका भी साक्ष्य पुलिस को मिला है, इनके आपस में बातें जो हुई। और ये लगातार अपने जगह बदलते रहे और क्योंकि इनके साथी भी पकड़ में लगातार पकड़े जा रहे थे, ये दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, झांसी और यहाँ पे यूपी और एमपी बॉर्डर, जहाँ पे हमारे चित्रकूट और करवी जो जिले हैं, तो ये चार पांच जगह पे वो अपने ठिकाना बदलते रहे। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली, सतना पुलिस की टीम इसमें एक महीने से काम कर रहे थे, हमारे साइबर की टीम और एडी की टीम, और जब पक्का इन्फॉर्मेशन मिला तीनों जगह पे हमारे टीम गए और एक साथ रेड मार रहे थे, जिसमें सफलता जो है कल हमारे मझगवा थाना क्षेत्र में मिला, झांसी से खबर मिली थी कि वो इस तरफ आई है करके, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके गैंग में और भी कुछ लोग बचे हुए, एक दो लोगों का नाम आ रहा है जिसका भी अभी हमारी टीम उसमें वर्तमान में भी काम कर रहा है। इनके चार मामले जो है अपहरण और डकैती की, चार मामले दर्ज है अपने सतना जिले में, और यूपी का दो मामले का बताया जा रहा है, जिसको अभी हम संबंधित थाना क्षेत्र से उसकी जानकारी करा रहे हैं। इनसे एक 315 का एक राइफल मिली है और कुछ कारतूस राउंड्स मिली है, और इनके पूर्व में जो इनके गैंग मेंबर्स पकड़े थे उनसे भी कट्टा और हथियार वगैरह, राइफल वगैरह।